यह युद्ध केवल अंगराज और मगध नरेश के मध्य नहीं, यह युद्ध अंग की प्रजा का उनके भीतर छिपे भय से भी है। और भय के अंधकार में सोई अंग की प्रजा को मैं जगाना चाहता हूं। इसलिए आपसे वचन चाहिए कि जब तक मैं ना कहूं आप अपना धनुष नहीं उठाएंगे। मेरा आशीष है कर्ण, विजयी वही हो जो अधिक श्रेष्ठ हो। पांचाल नरेश, प्रणाम स्वीकार करें। आश्चर्यचकित मत होइए पांचाल नरेश, किसी समय आप मेरे गुरु के गुरु बंधु रहे हैं। किसी समय मेरे गुरु ने आपको मित्रता का पात्र समझा है, इसलिए आप मेरे सम्मान के पात्र सदैव रहेंगे। अब भी और पराजित होने के पश्चात भी रोण के तुनीर में 5 बाण शेष थे, आया केवल 1। हाँ, क्योंकि हम 5 भिन्न नहीं, 1 हैं, 1 मुट्ठी जिसकी प्रत्येक उंगली में समान शक्ति है। उन 5 में से कौन सी उंगली पांचाल नरेश द्रुपद की ओर उठी है? मध्यम। यदि हमारे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर आपको अपराजित कर देते तो आप उल्हाना देते कि आपके साथ अनीति हुई है, और यदि सबसे कनिष्ठ सहदेव आपको पराजित कर देता तो हमारे गुरु के गुरु बंधु का घोर अपमान हो जाता। इसलिए हम 5 में से मध्य क्रम का पुत्र आपको युद्ध की चुनौती देता है। तर्क अद्भुत है बालक, नाम क्या है तुम्हारा? पांडुपुत्र द्रोण शिष्य अर्जुन। बहुत समय पश्चात ऐसा संस्कारी, सक्षम और विनम्र राजकुमार देखा है। मेरे संस्कारों का परिचय तो मेरे प्रणाम ने दे दिया, मेरे कौशल का परिचय मेरे बाण देंगे। युद्ध आरंभ करो अर्जुन। बस एक महास्त्र और इस बालक की ललकार के साथ साथ अंग की हराशा भी समाप्त। मुझे मगध नरेश को दिव्यास्त्र संधान का अवसर नहीं देना है।
आज तक मैंने ऐसा धनुर्धारी नहीं देखा। निश्चित रूप से इसकी गति पवन को भी पराजित कर दे। धन्यवाद महामहिम, आप कर्ण के साथ हैं। मैं केवल धर्म के साथ हूं। स्पष्ट रूप से कहूं तो हस्तिनापुर के साथ हूं। यही तो आश्चर्य है महामहिम कि ये धर्म केवल हस्तिनापुर के विशाल महलों तक क्यों रहता है। ये धर्म कभी चलकर हम सूतों की कुटिया तक क्यों नहीं आता। अद्भुत अद्भुत वीर, जीवन में प्रथम बार ऐसा हुआ है कि कोई धनुर्धर पांचाल नरेश द्रुपद के हाथों से उसका धनुष गिरा सका। अब बार बार इस अनुभव के लिए तैयार रहे पांचाल नरेश। देखो देखो, ये सच्चे अर्थों में हमारा राजा है। हमारे लिए, प्रजा के लिए, अंग देश के लिए जरासंध से युद्ध कर रहा है। देखो, इन्हें इस प्रकार बाहर नहीं आना चाहिए। जरासंध इनका प्रयोग करेगा। अब अवसर आ गया है कर्ण, जिनके लिए तुम मुझे पराजित करना चाहते हो, अब यही लोग तुम्हारी पराजय का कारण बनेंगे। सहस्त्र बाणास्त्र।
असंभव। ये तो नागपाश, नागपाश है ये द्रुपद। दक्षिणा स्वीकार करें गुरुदेव। अश्वत्थामा को संदेश भिजवाया जाए, शीघ्र अति शीघ्र उसका राज अभिषेक होगा, वो भी इस स्थान पर। तूने जरासंध को नहीं, आज एक चींटी ने गज को ललकारा है कर्ण, गजराज को। तो आज सिद्ध हो जाएगा कि यदि एक चींटी भी अन्याय के प्रतिकार पर उतर आए तो वो एक गज को भी पराजित कर सकती है। जरासंध आक्रमक हो रहा है, अवसर मिलते ही दिव्यास्त्र संधान करेगा। कर्ण, अपनी पूरी शक्ति लगा दो, एक बार जरासंध के क्रोध का ज्वर उठा तो उसका सामना नहीं कर पाओगे तुम। बहुत हुआ अंगराज, बहुत देख लिया बच्चे का खेल, अब तुम्हारा खेल मैं समाप्त कर दूंगा। अपनी प्रजा की रक्षा करने आए हो? देखो अंगवासियों, ये तुम्हारी रक्षा करने आया है। अरे जो अपने अनुज की रक्षा ना कर सका वो तुम सहस्त्र अंगवासियों की रक्षा क्या करेगा? नहीं कर्ण, क्रोधित मत हो, क्रोध में आओगे तो एकाग्रता खो दोगे, क्रोध करने की भूल मत करना। नहीं महामहिम, कर्ण को उकसाने की भूल तो मगध नरेश कर रहे हैं। कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति उसका क्रोध ही है। क्रोध, अशांति, पीड़ा ध्यान केंद्र में सबसे बड़ी बाधा है। अपने क्रोध को, अपनी अशांति को, अपनी पीड़ा को शस्त्र बनाकर इसका उपयोग करो कर्ण, उपयोग करो।
कर्ण, जरासंध को भूषाई किया तूने। इतना ही बल है तुम्हारे बाणों में कर्ण? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा बाण नहीं है जो जरासंध का वक्ष भेद सके? परिचय मिल गया मगध नरेश, उस बाण का जो तुम्हारी छाती भेद सकता है, और उस धनुर्धारी का जो तुम्हें पराजित कर सकता है। जरासंध का रक्त बहाया तूने कर्ण, अभी संघ प्रदेश की प्यास तुम्हारे रक्त से बुझेगी। आपकी इच्छा आज अधूरी रह जाएगी मगध नरेश, सूर्यास्त हुआ, इसलिए नियम अनुसार आज का युद्ध यहीं संपन्न होता है। घायल सिंह किसी नियम को नहीं मानता कर्ण, अब यह युद्ध तब तक संपन्न नहीं होगा जब तक हम दोनों में से कोई एक जीवित है। बाहुबल का परिचय दो कर्ण, इस युद्ध में विजय का अर्थ जीवन होगा और पराजय का अर्थ मृत्यु। चलेगा महामहिम? जब तक दोनों में से कोई एक वीरगति को प्राप्त नहीं हो जाता,
या फिर अपनी पराजय स्वीकार नहीं कर लेता। हुआ अंगराज, हो गया तुम्हारे बलकांत? नहीं मगधराज, अभी तो प्रारंभ हुआ है। हो गई समाप्त तुम्हारी चुनौती। उठो या ना उठो, मृत्यु तुम्हारी निश्चित है। मृत्यु तो सबको आनी है मगधराज, परंतु मैं उठूंगा क्योंकि मेरी इच्छा है कि संसार के प्रत्येक अन्यायियों का नाश हो। जरा सम देखना कि दलितों के उठने का युग आ गया है और उनके जागने का समय आ गया है। सूर्य की किरणें प्रस्तुत हैं और राधे करण भी। आगे बढ़ो। रुक जाओ द्रुपद, कहां जा रहे हो? अभी भी हमारे बीच बहुत कुछ शेष है। पांचाल पर तो विजय प्राप्त कर चुके हो द्रोण, अब क्या शेष है? है। अहंकार, उस पर विजय पाना शेष है जिसे मैं पा करूंगा। यदि तुम्हारे शब्दों में कहूं तो मित्रता बराबर वालों से की जाती है, बराबर वालों से। यही कहा था ना तुमने उस राजसभा में जब मैं तुमसे सहायता मांगने आया था, और तुम्हारे यही शब्द वर्षों से मेरे कानों में तीर की भांति चुभ रहे हैं, बराबर वालों से। तो समय का चक्र देखो, आज तुम कहां और मैं कहां। आज मैं एक राजा का पिता हूं, राजा का। तो तुम कुछ भी नहीं द्रुपद, इसलिए मैं भारद्वाज पुत्र द्रोण, हस्तिनापुर राजगुरु द्रोण, पांचाल का आधा राज्य द्रुपद को दान में देता हूं। उस द्रुपद को जिसे मैंने कभी अपना मित्र माना था।
राजा बनकर सब कुछ भूल गए द्रौपद, हमारी मित्रता, हमारे वचन, परंतु इस द्रोण को वो सारे वचन स्मरण है। प्रत्येक वस्तु आधी आधी बांटेंगे। ये दान पाकर प्रसन्न तो होना द्रौपद। मैंने अपना जीता हुआ आधा राज्य तुमसे बांटा द्रौपद, तब तुम उस अपमान के दंश को भी भोगोगे जिसका आधा मैं कई वर्षों से भोगता आया। अपने इस आधे पांचाल का आनंद उठाओ पांचाल नरेश। ना 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 ना, अर्ध पांचाल नरेश। बोलो हस्तिनापुर की जय, हस्तिनापुर की जय, हस्तिनापुर की जय, हस्तिनापुर की जय, हस्तिनापुर की जय। तुम्हारे मुख से ध्वनि क्यों नहीं निकल रही अर्ध पांचाल नरेश? याद है ना तुम्हें, जिससे दान प्राप्त होता है उसकी जय की जाती है। क्या था ना, हस्तिनापुर की जय। उत्तम अति उत्तम। मेरी गुरु दक्षिणा पूर्ण हुई, गर्व है मुझे तुम पर। ये द्रौपद, अश्वत्थामा का राज अभिषेक भी संपन्न हुआ, हमें शीघ्रता से हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करना होगा, क्योंकि वहां एक और युवराज अभिषेक शेष है। Ah!
बस कीजिए महामहिम, अब कब तक यूं देखे रहेंगे? देखिए महामहिम गढ़ किस तरह लहूलुहान है। महामहिम, आपको हस्तक्षेप करना होगा, आपको ये युद्ध रोकना होगा। महामहिम, रक्षा कीजिए कर्ण की। अंगराज, तुमने मेरे पुत्र की हत्या के प्रतिकार का वचन दिया है, उठो प्रहार करो मेरे पुत्र के लिए, उठो प्रहार करो कर्ण, अंग के लिए प्रहार करो, प्रहार करो, प्रहार करो, प्रहार करो। जो जीत गया मगध नरेश, क्योंकि मेरी प्रजा अपने भेष से विजय हुई। अब तुम्हारी बारी है। जब कभी भी पराजय सामने खड़ी हो तो स्मरण रखना कि तुम्हें स्वयं के लिए नहीं, अपनी माता के लिए विजय करनी है, अपने कुल के उत्थान के लिए जीतना है, समाज के परिवर्तन के लिए जीतना है। मेरा सपना मुझसे छीन लिया गया। अब युधिष्ठिर युवराज बनेगा। युधिष्ठिर युवराज बना या दुर्योधन को स्वीकार नहीं है। आप कहे तो अभी इन्हें युद्ध में वीर गति देते भ्राताश्री। राय, आप साम दाम दंड भेद सबका प्रयोग होगा, केवल बल का नहीं, छल का प्रयोग होगा। हमारे हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान से पूर्व दो संदेश तैयार करेंगे। पहला मामा शकुनी को, जिसके छल पर मुझे पूर्ण विश्वास है, और दूसरा उसको, जिसके बल पर मुझे पूर्ण विश्वास है, अंगराज कर्ण को।
ये प्रहार तुम पर नहीं मगधराज, उस व्यवस्था पर है जो जाति और कुल का भेदभाव करती है और शक्तिहीन का शोषण करती है। ये प्रहार उस अन्याय पर है जो एक वीर को धनुष उठाने की अनुमति नहीं देती, क्योंकि वो एक सूत पुत्र है। और ये प्रहार उस अनीति पर है जो एक सूत बालक के कंठ में पिघला हुआ स्वर्ण भर देती है, क्योंकि उसने वेद पाठ करने का साहस किया। तुम विजय नहीं हो सकते कर्ण, क्योंकि पराजय मैंने स्वीकार नहीं की और वध तुम हिरा कर नहीं सकते। महाबलियों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होता है कि उनकी दुर्बलता सबको ज्ञात होती है। मैं जानता हूं आप जरासंध हैं, जरा ने आपके शरीर की संधि की है, इसलिए आपको मारा नहीं जा सकता, बस चीरा जा सकता है। रुक जाओ कर, रुक जाओ, मैं प्रजा स्वीकार करता हूं।